भविष्य दिखता ही नहीं उनका, कोई ज्योतिषी से भी बुला लो ना, वो भी थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि जी मेरे को तो लकीर नहीं दिख रही इनकी, आप भविष्य की बात कर रहे हो। सिरसा के अंदर खास करके, पूरे सिरसा जेल की मैं बात कर सकता हूँ, सब जगह NLO को एक के कार्यकर्ता की तरफ से बहुत प्रेम और प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक हमेशा से पुराना जुड़ाव रहा है और इस इलाके में विकास जितना भी हुआ है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ है। उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, आज भी हर मेरे ख्याल नागरिक के मन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और उन बातों को आज भी लोग याद करते हैं। फील्ड में लगातार आप जा रहे हैं, अभय सिंह जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, क्या मुद्दे ऐसे लेकर चल रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? देश के अंदर भी हर विधानसभा के अंदर लोकल लेवल के कई मुद्दे बहुत अहम हैं, परंतु उनके अलावा आज प्रदेश के अंदर बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, बड़ा मुद्दा MSP का है, बड़ा मुद्दा किसानों के होने वाले इंश्योरेंस का है, एक बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के अंदर पक्की नौकरी का है, OPS का है। ये बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई अन्य और मुद्दे हैं जो उतने ही ज़रूरी हैं। आज हम सभी साथियों को लेकर के उनके साथ मिल करके इन सब पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार 10 साल के बाद सरकार बनाएंगे। कांग्रेस चाहे कोई दावा कर ले, जब तक बैठा है उसके अंदर दीपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनका कुछ नहीं बनना, ये मैं आप मेरे से लिख के ले लूँ। कुमारी शैलजा का भी बयान था कि दलित समाज से CM चेहरा हो। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को उनको आगे कर देना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा हुड्डा परिवार बैठा रहेगा कांग्रेस में तो उनका कुछ नहीं बंटना, इनको हटा करके किसी और को यदि कांग्रेस आगे कर देती है तो शायद प्रदेश की जनता उनके साथ लग भी जाए। अर्जुन, एक और गठबंधन हुआ है प्रदेश में, JJP का और आजाद समाज पार्टी का, कैसे देखते हैं? देखिए जी, इनके कोई, मेरा नहीं मानना इनके कोई राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि आज इनकी जो राजनीतिक हैसियत है पूर्ण रूप से इस प्रदेश के अंदर खत्म हो चुकी है। क्या भविष्य क्या देखते हैं उनका? मैं कोई तो कह रहा हूँ, भविष्य दिखता ही नहीं उनका, कोई ज्योतिषी से भी बुला लो ना, वो भी थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि जी मेरे को तो लकीर नहीं दिख रही इनके, आप भविष्य की बात कर रहे हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।